जो बीज अपने खोल को गलने नहीं देता वो फल नहीं उठा सकता। मैं सिर्फ जुल्म और गद्दारी का दुश्मन हूं। सबर तल्ख है लेकिन इसका फल मीठा है। जमीन पर सबसे ताकतवर फातेह इंसाफ है। ये सोना हमारे दरमियान कमजोरों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दिलों में क्या है हम अपने अल्फाज और अपने आमाल से जाहिर करेंगे। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। वजूद एक दर्जगाह है, सब तालिबे इल्म है और खुदा वाहिद उस्ताद है। सिर्फ वही लोग जो बड़े ख्वाब देखते हैं वो फतह की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग हक ताला की तरफ हैं वो उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम हजार किलों को फतह करने के बजाय एक दिल जीतना पसंद करते हैं। हमारा मकसद इंसानियत को साथ लाना होगा। मैं मजलूमों की हिफाजत करूंगा चाहे वो मेरा दुश्मन हो, लेकिन मैं गद्दार को माफ नहीं करूंगा चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। क्या आपको लगता है कि आप मुझे डरा सकते हैं? मेरी एक जिंदगी है और वो खुदा की है। असली हीरो वो है जो नीचे गिरते ही उठता है। खुदा सब कुछ देखता है और वो तुम्हारी कुर्बानी से वाकिफ है। हम खुदा के इंसाफ को आम करने के लिए जिंदा रहते हैं। जब तक हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चलेंगे कोई भी हमारे घुटने नहीं टेक सकता। बहादुरी से मरने से बहादुरी से जीना मुश्किल है। हम इन दोनों के लिए सख्त मेहनत करेंगे। अगर हम हर हाल में शुक्र करते रहे तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। मेरी तलवार मेरी बीवी की तरह है जिससे मैं प्यार करता हूं और मेरा घोड़ा मेरे बेटे की तरह है।